किन्नौर जिला के भावानगर कस्बे में रोड वाइंडिंग कार्य के चलते जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा। ये बात एसडीएम भावानगर मनमोहन सिंह ने भावानगर स्थानीय बाजार में अंतिम चरण में चल रहे सड़क कार्य का निरीक्षण करने के बाद कही। स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि प्रशासन द्वारा भावानगर स्थानीय बाजार में NH5 को चौड़ा करने के कार्य का निरीक्षण किया जाए, जिस पर एसडीएम मनमोहन सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने एसडीएम को बताया कि रोड कटिंग से भावानगर मुख्य बाजार में NH चौड़ा तो हो गया, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कई लोगों के घरों को जाने के लिए सीढ़ियां ठीक तरह से नहीं बनी हैं और कई जगह तो सही सुरक्षा दीवार भी नहीं लगी है। रोड कटिंग कार्य अंतिम चरण में चला है, लेकिन समस्या जस की तस है। भावानगर व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार नेगी ने एसडीएम से कहा कि भावानगर दुर्गा मंदिर के साथ NH के निचली तरफ डंगा भी लगाया जाए। एसडीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि कार्य के चलते जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन सबको जल्द दुरुस्त किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए भावनगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ पर काफ़ी समय से कुछ स्थानीय लोगों की जो बाजार में भावानगर क्षेत्र में लोग रहते हैं और हमारी स्थानीय पंचायत के कुछ इशू से NH का जो वाइडनिंग का काम चला हुआ है उसको लेकर, क्योंकि यहाँ भावानगर बाजार में जो NH वाइडनिंग का काम है और समाप्ति की ओर है लगभग, तो उन अलग अलग इशू को लेकर आज यहाँ पर ये इंस्पेक्शन रखी थी, जिसमें स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, NH, व्यापार मंडल, बहुत सारे जो यहाँ की जिनकी समस्याएँ थी वो लोग मौजूद थे। तो यहाँ हर पॉइंट को, चाहे वो कहीं रास्ते को लेकर था, कहीं डंगे को लेकर था, या कहीं गंदी नाली के उसके भी इशू था, तो उन सारे को फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया और उसका समाधान भी NH अथॉरिटी और जो हमारे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर है NH के, उनको उनके ध्यान में लाया और सारे उन समस्याओं का लगभग हमने यहाँ पर स्पॉट में ही उसको समाधान किया है। एक दो इश्यूज़ है जो कि एक दो दिनों बाद कहीं बैठक कर उनको सुलझा दिया जाएगा। थैंक यू।